बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब घर पे सेहत तो आफ़ियत से होंगे। ये वीडियो जमाते चारुम यानी फोर्थ क्लास के लिए है। लास्ट वीडियो में हमने नया सबक शुरू किया था जिसका नंबर था लेसन नंबर 11 और सबक का नाम था फूंक की तासीर, जिसमें हमने देखा था कि एक लकड़हारा था जो जंगल को जाकर रोज़ाना लकड़ियाँ काटता था और शहर जाकर उन लकड़ियों को बेच दिया करता, जिससे वह अपना गुजारा करता था। बहुत ज़्यादा सर्दी के दिन थे, सर्दी की वजह से हाथ उसके सुन्न हो रहे थे, तो वो क्या करता था, बार बार अपने हाथों को फूंक कर गर्म करता, फिर अपना काम शुरू कर देता था। तो जंगल में कई किस्म की मखलूक रहती है, उसमें एक बालिश्ता भी रहता था जो दूर से लकड़हारे को ये फूंक मारते हुए वो देख रहा था। ये सारी चीज़ें देख कर वो बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ रहा था बालिश्ता। तो लकड़हारे से पूछने के लिए बालिश्ता उसके करीब आया, तो लकड़हारा उसे देखकर हंसने लगा। उसने हंसी को अपना रोका, रोककर उससे पूछा कि क्या बात है। तो बालिश्ते ने उसे सलाम कहा, फिर तुम आखिर क्या कर रहे हो, मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, आखिर तुम बार बार अपने हाथों को क्यों फूंक रहे हो। तो बादशाह, तो लकड़हारे ने जवाब दिया कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से मैं फूंक मार कर हाथ को गर्म कर रहा हूँ। सर्दी की वजह से मेरे हाथ ठंड हो रहे, सुन्न हो जा रहे हैं, इस वजह से मैं फूंक मार कर गर्म कर ले रहा हूँ। तो बालिश्ता ये सुनकर वहाँ से चले गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद फिर से वो लकड़हारे को देखता रहा कि आखिर ये क्या कर रहा है। तो दोपहर का जैसा ही वक्त हुआ तो लकड़हारे को खाने की फिक्र होने लगी। तो उसने कहीं दूर से जाकर पत्थर उठाकर लेकर आए और उसके पास एक छोटी सी हांडी थी, चूल्हा बनाकर उसने आग सिलगाई, फिर उस पर हांडी रखी और उसके पास जो आलू थे वो उबलने के लिए रख दिए। लकड़ियाँ गीली यानी कच्ची होने की वजह से चूल्हा जो बार बार बुझ जा रहा था, तो लकड़हारा क्या करता था, फिर से उसे फूंक दिया करता था। तो बालिश्ता यह देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि अब आखिर ये क्या कर रहा है, पहले तो ठंडा है उसे फूंक कर गर्म कर रहा था, अब जब ये ठंडा हो रहा है तो फिर बुझ रहा है तो उसे फूंक कर जला रहा है, बोलकर ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। लकड़हारे ने जो हांडी में आलू डाले थे वो अभी पूरी तरह से उबले भी नहीं थे, तो क्या किया उसने, हांडी से एक आलू को निकाला, निकाल कर बड़ी मुश्किल से अपनी उंगली और अंगूठे की मदद से दबाकर उसे तोड़ा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से क्या करने लगा, फिर से उसे फूकने लगा, उन्हें फू फू करने लगा, फूकने लगा। यहाँ तक हमने देखा था, इसके बाद हम देखेंगे। अरे, बालिश्ते ने फिर जी में कहा, ये फिर फूकता है। तो बालिश्ते अपने दिल ही दिल में कहने लगा, अरे ये फिर से फूक रहा है, एक बार तबा तो ठंडा होने की वजह से गर्म करने के लिए फूक रहा था और दूसरी बार जब लकड़ियाँ कच्ची होने की वजह से बुझ रही थी तो फिर से उसे जलाने के लिए वो फूक रहा था। जब आलू भी गर्म है तो उसे ठंडा करने के लिए वो फूक रहा है, अब क्या इस आलू को फूक कर जलाएगा, बोलकर वो सोचने लगा बालिश्ते। आलू जला तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ी देर फू फू करके लकड़हारे ने इसे मुंह में रख लिया। हाँ, आलू क्या हुआ, जला तो नहीं, बालिश्ता सोने लगा कि आलू आखिर जला तो नहीं, लेकिन फू फू करके लकड़हारे ने क्या किया, उस आलू को अपने मुंह में रख लिया, यानी गर्म होने के बाद उसे ठंडा करके उसने अपने मुंह में रख लिया। अब तो बालिश्ते की हैरानी ना पूछो, बालिश्ते अब तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। जब ठंड हो रहा था फूक कर गर्म कर रहा था, जब गर्म है तो उसे फूक कर ठंडा कर रहा था, ये देखकर बालिश्ते बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वो ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और कहा, यानी वो ठुमक ठुमक कर यानी हलते जुलते उसके लकड़हारे के सामने आया और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछे, फिर से सलाम करने लगा और लकड़हारे से पूछने लगा कि मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, कहीं तुम बुरा तो ना मानोगे। इसने कहा, नहीं, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। तो लकड़हारा बालिश्ते से जवाब दे रहा है कि नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, तुम्हें क्या पूछना है पूछो, बोलकर कहने लगे। बालिश्ते ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गर्माता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूंकते हो। तो बालिश्ते क्या पूछ रहा है, सुबह में जब मैंने पूछा था तो तुमने बताया था कि जो हाथ ठंड है से ठंड की वजह से सुन्न हो रहे थे उसे फूंक कर तुम गर्म कर रहे थे, लेकिन अब आलू तो गर्म है, फिर से क्यों उसे फूंक रहे हो, बोलकर वो पूछने लगा। ये तो गर्म है, इसे और गर्माने से क्या फ़ायदा। तो बालिश्ते क्या पूछा, पहले से ही ये गर्म है, अगर तुम फूके हुए तो और ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना वो, इसे फूकने से क्या फ़ायदा है, बोलकर बालिश्ते लकड़हारे से कहने लगा।
नहीं मियाँ टिल्लू, ये आलू बहुत गर्म है, मैं इसे फूंक मारकर ठंडा कर रहा हूँ। तो लकड़हारा क्या जवाब दे रहा है? नहीं मियाँ टिल्लू, मैंने बालिश पर छोटे हाथ का था इसलिए उसे टिल्लू कहकर कह रहे हैं। आलू तो बहुत गर्म है लेकिन मैं उसे फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। बात तो कुछ ऐसी ना थी, मगर यह सुनकर मियाँ बालिश्ती का मुंह पीला पड़ गया। ऐसी कोई परेशानी की बात तो नहीं थी, लेकिन ये बात सुनकर बालिश्ती का क्या हो गया? चेहरे का रंग था जो वो पीला पड़ गया था और वो डर की वजह से कांपने लगा। क्या हुआ? बालिश्ती डर की वजह से कांपने लगा, क्योंकि पहले जब पूछा था उसने, लकड़हारा फूंक मारकर गरम कर रहा था हाथों को। जब दूसरी बार उसने देखा था कि आलू गरम है लेकिन उसे फूंक मारकर ठंडा कर रहा था, ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। इसके और भी साथी थे जो लकड़हारे से डरकर कुछ सहम से गए थे, यानी बालिश्ती के कुछ और साथी भी थे जो वहां से डरकर सहम गए थे, बिल्कुल खामोश जैसे हो गए थे। लकड़हारे ने पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ, क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? क्योंकि डर की वजह से वो कांप रहे थे। तो लकड़हारा पूछने लगा बालिश्ती से कि क्या बात है, क्या जाड़ा यानी सर्दी ज्यादा होने की वजह से क्या तुम कांप रहे हो क्या, बोलकर पूछने लगे। बालिश्ती पीछे हटते चले गए। बालिश्ती क्या करे, पीछे पीछे हटते वो चले गए। जब काफी दूर चले गए तो बोले, ये ना जाने क्या भला है, यानी लकड़हारे से बहुत दूर चले गए तो वो कहने लगे कि आखिर ये क्या भला है, क्या परेशानी है, ये कोई भूत है या जिन है? क्या कहने लगे, ये क्या कोई भूत है क्या जिन है जो फूंक मारकर ठंडा कर रहा है और फूंक मारकर गर्म कर रहा है? बोलकर इसी फूंक से गर्म भी, इसी से ठंडा भी। क्या कहने लगे, इसी फूंक से गर्म भी है और इसी फूंक से ठंडा भी, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता। क्या कह रहे हैं, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से फूंक मारकर ठंडा कर रहा है और फूंक मारकर गर्म कर रहा है। वाकई ये बात मियाँ बालिश्ती की छोटी सी खोपड़ी में कैसे आती? तो हकीकत में क्या है, क्योंकि बालिश्ती की खोपड़ी बिल्कुल छोटी है, इस वजह से ये बात उनके दिमाग में नहीं आ सकती, बोलकर कह रहे हैं। आया समझ में बेटा? इस सबक से हमें क्या सीख हासिल हो रही है कि ये साइंस है कि किस तरह से हम फूंक मारकर किसी चीज़ को गर्म कर सकते हैं या फिर फूंक मारकर किसी चीज़ को हम ठंडा कर सकते हैं। ये तो हमारे सिर्फ सोचने और समझने की ताकत पर मुनहसिर करता है, ठीक है? ये कोई जादू वगैरह नहीं, फूंक मारेगी गर्म होगी, फूंक मारेगी ठंडा होगी, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये सब फूंक की तासीर है कि हम कोई चीज़ को ठंडा भी कर सकते हैं और उसे गर्म भी कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारी सोचने और समझने की सलाहियत है ये, ठीक है बेटा? इसके बाद में आपको जो नोट्स दिए गए थे वो मुकम्मल कर रहे हैं आप लोग? पूरे 10 लेसन तक हो गए थे, पूरे मुकम्मल कर लिए, फवायद वगैरह सब कुछ। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे। जजाक अल्लाह खैर बेटा, अल्लाह हाफिज़।